हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो ऑटोकैड के बारे में है। मेरे एक दोस्त हैं असजद भाई, उन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे मैसेज किया था कि उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इस ड्राइंग के यूसीएस को रोटेट करने में। जब वो यूसीएस को रोटेट कर रहे हैं या ड्राइंग को रोटेट करते थे, तो ये जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं ये डिस्प्ले नहीं होते थे, कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही थी। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी ये जो ड्राइंग स्क्रीन पे नज़र आ रही है, देखें ये अराउंड 30-35 डिग्री के एंगल पे है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये हमारी ड्राइंग स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, कि ये जो इसकी लॉन्गर लेंथ है, ये हमारी जो शार्टर साइड है, जो वाई एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाए, यानी ट्रू नॉर्थ पे आ जाए, और इसके ये कोऑर्डिनेट्स भी चेंज ना हो। ऑटोकैड में रोटेट करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो है रोटेट। अगर हम इस ड्राइंग को रोटेट से रोटेट करेंगे तो फिर इसकी ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो ये कमांड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इसके जो यूसीएस की सेटिंग है, यूसीएस मीन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो चेंज करेंगे ताकि हमारी ड्राइंग भी रोटेट हो जाए और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो भी चेंज ना हो। तो इस ड्राइंग को रोटेट करने के लिए आप कमांड देंगे यूसीएस, UCS, इंटर कर देंगे। जैसे ही आपने इंटर करेंगे, आपके कमांड बार पे आपको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई ओरिजिन ऑफ UCS। तो जो भी आप ओरिजिन रखना चाहते हैं वो आप फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे ये जो इसको रोटेट करना है कि ये लॉन्गर लेंथ को इसके वाई एक्सिस के पैरेलल करना है, तो मैं इसको इसके अराउंड रोटेट करूंगा, क्योंकि हमने जो सेट करना है वो एक्स एक्सिस है जो कि इस डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। जैसे ही बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर आप अगर यहां पे देखें तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला। तो मैं यहां पे आके क्लिक करता हूं, लेकिन जैसे ही क्लिक किया है, मेरा ये जो क्रॉस हेयर्स है, जो कर्सर का ओरिएंटेशन है, वो चेंज हो गया है। तो क्लिक करके आप इंटर कर दें। देखिए, इंटर हमने कर दिया है। हमारा ये जो यूसीएस है, जो कर्सर है, यहाँ पे भी देखें, पहले ये बिल्कुल पैरेलल था, अब ये रोटेट हो गए हैं, लेकिन अभी ड्राइंग पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम नेक्स्ट कमांड अब यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है प्लान, PLAN, इंटर। यहाँ पे देखें डिफरेंट मैसेज ऑप्शन है, करंट यूसीएस, यूसीएस वर्ड, तो हम ये करंट यूसीएस रखेंगे और फिर इंटर, यानी दो बार इंटर। पहले आपने कमांड देनी है प्लान, फिर डबल इंटर आपने करना है। तो ये देखें, ये ड्राइंग अब रोटेट हो चुकी है। पहले ये ट्रायंगुलर फॉर्म में थी, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। तो हम ये कोऑर्डिनेट चेक करते हैं कि क्या ये कोऑर्डिनेट सेम है। उसके लिए मैं आईडी की कमांड यूज करता हूं, आईडी। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो देखें यहां पे इसका एक्स एक्सिस जो है वो 0 है और वाई जो है वो 4.33, क्योंकि हमने जो ओरिजिन दिया था वो यू दिया था। तो हम एक्स एक्सिस पे राइट लेफ्ट तो कुछ मूव हुए नहीं है, इसलिए हमारी जो एक्स कोऑर्डिनेट की या ईस्टिंग की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 रहेगी। अब हमने इसको वापस लेके जाना है ताकि ये ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आ जाए, और ड्राइंग को भी हमने रोटेट नहीं करना, इसी डायरेक्शन में रखना है। उसके लिए एक बार फिर हम जो कमांड यूज करेंगे वो है यूसीएस, इंटर। अब जब आपको ये जो मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई ओरिजिन ऑफ यूसीएस, तो आपने कोई ओरिजिन सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि हमने इसे वापस वर्ल्ड यूसीएस में लेके जाना है। उसके लिए ये देखें, यहाँ पे ये वर्ल्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे से क्लिक भी कर सकते हैं या W लिख के इंटर कर देंगे। तो ये देखें, ये जो यूसीएस था एक बार फिर चेंज हो गया है। फर्स्ट टाइम जब हमने ड्राइंग स्टार्ट की थी तो ये जो वाई एक्सिस है ये बिल्कुल पैरेलल था, फिर जब हमने ड्राइंग को रोटेट किया, यूसीएस को रोटेट किया, तो ये जो वाई की डायरेक्शन है वो तकरीबन इधर हो गई थी। लेकिन देखें, अब जैसे ही हमने इसको वापस यूसीएस को वर्ल्ड सेटिंग पे किया है, ये एक बार फिर वापस रोटेट हो गया है। अब हम ये कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, आईडी। ये देखें, अब ये 234851.295 और नॉर्थिंग या वाई जो है 4629627 सेम 4629627। एक और चेक करते हैं, ये कॉर्नर चेक कर लेते हैं।
ID इंटर, ये देखिए 2348505022 4629582704629582 7 0 4629582 7 0। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी ड्राइंग हो जो कि आपके स्क्रीन के पैरेलल नहीं है या आपके ट्रू नॉर्थ पे नहीं है और आप उसे ट्रू नॉर्थ पे रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट भी आपका सिस्टम सेम रहे, तो ये दो या तीन सिंपल से स्टेप्स हैं, इससे करके आप इसको अपनी मर्जी की रोटेशन पे ला सकते हैं। एक चीज और है, अगर आप लेआउट में हैं, जैसे मैं इसको अंडू कर देता हूं, ये देखें ये फिर ओरिजिनल फॉर्म में चली गई है। अगर आप इसी फॉर्म में काम कर रहे हैं लेकिन लेआउट में जाके आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंटिंग के टाइम पे है वो बिल्कुल इसके पैरेलल हो, तो उसके लिए भी सेम ऑप्शंस हैं। सिर्फ यहाँ पे रोटेट करने के बाद हमने जो UCS है उसको सेट नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे काम नहीं करना, सिर्फ हमने प्रिंट करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करेंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए, फिर सेम प्रोसेस है UCS। लेट्स से आप इसको इस तरह घुमाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये जो लॉन्गर साइड है ये इस तरह एक्स एक्सिस पे आ जाए, पहले हमने ये शॉर्टर साइड को सिलेक्ट किया था, तो मैं अब इसको चेंज करूंगा इधर ओरिजिन, ओरिजिन के बाद आ रहा है कि एक्स एक्सिस, अब मैं एक्स एक्सिस ये दे रहा हूं, पहले हमने इस पे किया था एक्स, क्लिक किया इंटर, देखें ये UCS चेंज हो गया है। अब आपने प्लान PLAN इंटर इंटर, ये देखें अब हमारी जो लॉन्गर लेंथ है वो इस पे रोटेट हो गई है, ठीक है। पहले हमने शार्टर साइड पे एक्स को सेट किया था, तो ये जो लॉन्गर है ये नॉर्थ के पैरेलल थी, लेकिन इस बार हमने उसको चेंज किया है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज है। तो इसके बाहर आके डबल क्लिक कर दे और फिर आप इसको यहां से प्रिंट कर सकते हैं, तो जब प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल आपके पेपर के ऊपर स्ट्रेट शो होगा। तो आई होप के असजद भाई का भी और बाकी जो दोस्त भी हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को उस डाउट को, क्वेश्चन को क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।